आज भुना हुआ कीमा हम बना रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है और बकरी स्पेशल है। जल्दी से ये रेसिपी हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg बकरी का कीमा लिया हुआ है विथ फैट, 1/2 कप योगर्ट, दही ली हुई है मैंने, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, 2 हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च आप डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे हम। तो 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और 1 तेज पत्ता और ये जायफल का टुकड़ा है, ये होल ऐसे ही हम डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा कीमे में। और ये जो मैरिनेटेड कीमा था ये हम डाल देंगे इसमें। बकरी स्पेशल है तो कीमा आप अपने हिसाब से बनाते हो फैट के साथ, तो वो कीमा जो फैट के साथ होता है बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 हड्डी ली है, ये मैंने नल्ली के पीसेस लिए हुए हैं। और आपके पास कोई भी हड्डी हो, जो भी गोश्त का पोर्शन हो उसमें हड्डी हो, तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं नल्ली यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं घी डाल रही हूँ। अच्छा, हम इसे 15 से 20 मिनट तक प्रेशर कुक करेंगे और एकदम मीडियम लो पे आपको करना है। और अब हम दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं जब तक ये प्रेशर कुक हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही ली है, 1 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1/2 हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, 1 धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और ये तीखी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, मेरे स्टाइल की ये रेसिपी है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। अब मसाले देख लेते हैं इसके। काली मिर्च, यहाँ पे मैंने हरी इलायची 3 से 4, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ये लिया हुआ है मैंने। इसे हमने अच्छे से मसाला बना लिया है और इसे अच्छे से पीस लेना है फाइन पाउडर में। और इस मसाले को हम छान लेंगे अच्छे से। जब आप कीमा खाओगे तो उसमें ये मुंह में नहीं आना चाहिए, तो फाइन पाउडर आप बना लें। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और 1 टेबलस्पून घी, घी या बटर 1 टेबलस्पून। तेज पत्ता, और ये जो हमने खड़े मसाले लिए थे काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और हरी इलायची, वो डालेंगे। 40 सेकंड सौते करेंगे। 1 मीडियम छोटी बारीक कटी हुई प्याज मैं डाल रही हूँ और बारीक क्रश की हुई, चॉप की हुई, एकदम बारीक कटी हुई प्याज है ये। अब इसे 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जो हमने दही के साथ मसाला बनाया था वो हम डाल देंगे इसमें। अब इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे
देखें ये 20 मिनट हो चुका है, तो ये गल चुका है कीमा। जो बॉईल किया हुआ कीमा है वो हम डालेंगे इसमें। अच्छा, कीमे के साथ मैंने पानी नहीं डाला था, कीमा अपना पानी छोड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि ड्राई कीमा है तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, हाफ कप। और ये जो जायफल डाला था वो निकाल दें उसमें से। अच्छे से इसे भुनेंगे। भुना हुआ कीमा है तो बहुत ही अच्छे से भुनेंगे, जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए इससे। और हरा धनिया 2 टेबलस्पून। हरी मटर अगर आपको चाहिए तो हाफ कप हरी मटर डाल दें इसमें, अच्छी लगती है। तो ये देख सकते हैं आप, कीमा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, भून चुका है, तेल सेपरेट हो गया है। ये बहुत ही यमी लगता है, जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो आती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। सुबह पराठे के साथ नाश्ते में ये बहुत ही अच्छी रेसिपी लगती है, तो ज़रूर ट्राई करना इस बकरीद। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून।